तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप सभी का स्वागत है द नेक्स्ट जेन में। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप को दो फोन में यूज कर सकते हैं, और या तो ये कह लीजिए कि एक व्हाट्सएप को दो फोन में कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक पर मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, बट अभी व्हाट्सएप ने एक नया फीचर अनाउंस किया है जिसका नाम है मल्टी डिवाइस सपोर्ट। तो इसमें क्या है कि अगर आप अपने फोन के व्हाट्सएप को दूसरे फोन या दूसरे डिवाइस में लॉगिन करते हैं तो आपको अपने मेन फोन में नेट ऑन रखने की कोई जरूरत नहीं है। बट पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको अपने मेन फोन में नेट ऑन रखना ही पड़ता था दूसरे डिवाइस या दूसरे फोन में यूज करने के लिए व्हाट्सएप को। तो एक बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा फीचर दिया गया है व्हाट्सएप की तरफ से, एंड ये बहुत लोगों को पसंद आएगा क्योंकि ये फीचर काफी ज्यादा अच्छा है। तो इस फीचर को यूज करने के लिए आपको दो चीजें करनी सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला तो ये है कि आपका व्हाट्सएप अप टू डेट होना चाहिए। अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो व्हाट्सएप अभी जाकर अपडेट कर लीजिए। एंड दूसरी चीज जो आपको अपने ध्यान में रखनी है वो है कि आपका गूगल क्रोम अपडेटेड होना चाहिए। तो अगर आप ये दो चीज नहीं किए तो अभी जाके कर लीजिए, उसके बाद वीडियो पे आइए। आई होप आप लोगों ने ये दो चीज कर लिया होगा। अब मैं आप लोगों को अपने फोन के स्क्रीन पर लेके चलता हूँ एंड स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पे चले जाना है। व्हाट्सएप पे आने के बाद देखिए ऊपर की तरफ आपको थ्री डॉट्स दिख रहा होगा, आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद लिंक डिवाइसेस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मल्टी डिवाइस बीटा लिखा होगा, आपको इस पर सिंपली टैप कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ लिखा हुआ लीव बीटा, बट ये मैंने ज्वाइन कर लिया इसीलिए दिखा रहा है, एंड अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पर ज्वाइन बीटा दिखाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर देखिए बहुत कुछ लिखा हुआ है तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं, तो अब आपको बैक कर देना है। उसके बाद आपको लिंक अ डिवाइस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको एक स्कैनर खुला दिखेगा। अब आपको चले जाना है अपने दूसरे डिवाइस या फ़ोन में जिसमें आपको व्हाट्सएप को यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं दूसरे डिवाइस में आ चुका हूँ। अब आपको क्रोम में जाना है एंड यहाँ पर थ्री डॉट्स पे क्लिक कर देना है ऊपर के साइड में, एंड यहाँ पर डेस्कटॉप साइड पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ खुलेगा, आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है व्हाट्सएप वेब। तो पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा, आप जूम करके इस पे क्लिक कर दीजिए। अब एक QR कोड दिखेगा तो आपको इसे स्कैन कर लेना है। तो अब मैं अपने फ़ोन से इसे स्कैन कर लेता हूँ। तो देखिए स्कैन हो चुका है, अब थोड़ा सा लोडिंग लेगा उसके बाद खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर खुल चुका है मेरा व्हाट्सएप वेब। अब मैं आपको एक चैट करके दिखा देता हूँ, एक मैसेज करके दिखा देता हूँ अपना मोबाइल डेटा ऑफ रख कर। तो यहाँ पर मैं हाई सेंड करके दिखाता हूँ आपको। देखिए मोबाइल डेटा ऑफ है फिर भी ये सेंड हो गया। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप को दो फोन में यूज कर सकते हैं। अब मैं सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि ये जो फीचर निकाला है व्हाट्सएप ने अभी ये टेस्टिंग पे है, थोड़ा बहुत लैग आपको देखने को मिल सकता है। बट मैं भी अभी पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, बट मेरे को अभी कोई लैग देखने को नहीं मिला है, बट आपको ज़रूर से मिलेगा क्योंकि अभी ये बीटा वर्जन पे है। एंड बहुत जल्द आपको स्टेबल वर्जन भी मिल जाएगा, बट आप बीटा वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।